शांति का प्रतीक बताया उन्होंने। गाजीपुर बुलडोजर का प्रतीक विधानसभा में देले बा। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल, अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर दे। आज लोकसभा जना बता तो अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर, और जो बच गई थी सीट बलिया सलेमपुर, अब यो सीट बचालन तो बहुत बड़ी बात। सांसद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दो दिवसीय दौरे पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया है, क्या कहेंगे आप कुछ? देखिए, एक तो बम्बई और बम्बई की सड़कों पे हमने भी आप लोगों ने छापा है कि उनका रोड शो होगा, तो बम्बई तो बम्बई है और फिल्म जगत के लिए पहचानी जाती है, तो वहाँ रोड शो होता रहता है। अब पता नहीं ये रोड शो किस मकसद और किस उद्देश्य से है। जो समाचार आप लोगों ने लिखा है उसमें लिखा है कि वहाँ के उद्यमियों को निमंत्रण देंगे कि वो लोग उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश करें। लगातार कहा जा रहा है, हमारे देश के मालिक कहते हैं, प्रदेश के मालिक कहते हैं कि दुनिया आकर्षित हो रही है भारत की तरफ। अब पता नहीं कहाँ से हमको ये समझ में नहीं आता कि धरातल पे सच्चाई क्या है। फोर्ड एक कंपनी थी, वो हिंदुस्तान से बुढ़िया बिस्तर लपेट के भाग गई। भाग जाने वाला इतिहास तो मैं देख रहा हूँ, आने वाला कोई हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा है कि पत्रकार वार्ता के दौरान कि बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया उन्होंने। गाजीपुर बुलडोजर का प्रतीक विधानसभा में देले बा। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल, अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर दे। आज लोकसभा जना बता तो अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही, चाहे मछली शहर, और जो बच गई थी सीट बलिया सलेमपुर, अब यो सीट बचालन तो बहुत बड़ी बात। सांसद जी आप बसपा से सांसद हैं, हाँ, लेकिन जनपद में किसी भी कार्यक्रम में जब आप शिरकत करने पहुंचते हैं तो वहां पर अधिकतर समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मौजूद दिखाई देते हैं। क्या 2024 में आप तख्ता पलट करेंगे पार्टी? आपको दर्द हो रही है, नहीं होनी चाहिए। मैं 2019 का चुनाव गठबंधन के उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था। सपा और बसपा दोनों कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब ने हमको उसमें लड़ा है। सिंबल मेरा बसपा का था, मैं आज भी बसपा के साथ हूँ। अब इसकी चिंता में कई लोग मरे जा रहे हैं, आप भी और बड़े बड़े जिले के नेता भी, कि आखिर ये कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी जनता है और जनता जैसा चाहेगी और जनता की इच्छा होगी तो लड़ूंगा, और नहीं कहेगी कि अब बूढ़ हो गए रिटायर हो जा के वो और तैयार बा वो लड़िया लड़े खातिर, तो बड़े प्रेम से रिटायर हो जाऊंगा। अभी हौसला है एक चुनाव लड़ने का, अगर जनता इजाज़त देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। और इतना पहले तो तू हमके यह बता दो कि क्यों पार्टी का कैंडिडेट तुम्हारे पास घोषित होके तो के बता दे के भाजपा का हके बता दो लड़िया मनोज सिन्हा ओकर जानकारी।